नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं पांच की बात। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि स्त्री धन पर सिर्फ और सिर्फ महिला का ही अधिकार है, स्त्री धन पर किसी और का हक नहीं, चाहे वो कपड़े हों, गहने हों, सब कुछ महिला का है। तलाक के बाद भी इस पर महिला का ही अधिकार है, लड़की के पिता का भी इस पर कोई अधिकार नहीं। स्त्री धन लड़की के ससुर से वापस नहीं मांगा जा सकता। इस फैसले के आने के पीछे एक मामला है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिसके बाद ये फैसला लिया गया। इस केस के बारे में पहले आपको हम बताते हैं, जिसमें पी वीरभद्र राव नाम के एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी दिसंबर 1999 में की और शादी के बाद दंपति अमरीका चले गए। 16 साल बाद बेटी ने तलाक के लिए अर्जी दी और फरवरी 2016 में अमरीका के मिसौरी राज्य की एक अदालत ने आपसी सहमति से तलाक भी दे दिया। तलाक के समय दोनों पक्षों के बीच एक समझौते के तहत सारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया था। इसके बाद महिला ने मई 2018 में दोबारा शादी कर ली। 3 साल बाद पी वीरभद्र राव ने अपनी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ हैदराबाद में स्त्री धन वापस मांगने के लिए एक FIR दर्ज कराई। ससुराल पक्ष ने FIR रद्द करवाने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला रद्द कर दिया। बेंच ने कहा कि पिता को अपनी बेटी के स्त्री धन को वापस मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से बेटी की ही संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में और भी कई बातें कही। कहा कि पिता ने 2 दशक बाद अर्जी डाली है, स्त्री धन के लिए जाने का कोई सबूत नहीं, तलाक के समय स्त्री धन का जिक्र भी नहीं हुआ था। और आखिर क्या होता है स्त्री धन? महिला के जीवन काल में मिलने वाला कोई भी उपहार महिला को ज्यादातर शादी या बच्चे के जन्म पर मिलता है उपहार, जैसे कि ज्वेलरी, कैश, जमीन जायदाद या फिर और कुछ भी उपहार हो सकता है। इन उपहारों पर सिर्फ महिला का अधिकार होता है। और स्त्री धन पर विस्तार से जानकारी दे रहे सुप्रीम कोर्ट में की वकील प्रज्ञा बी पारिजात, उनसे बात की है हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने। महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा और एक अहम फैसला आया है कि जो महिलाओं का स्त्री धन होता है वो जो पत्नी के रूप में मिलता है शादी के दौरान, जो उपहार मिलते हैं, जो सामान मिलता है, जो गहने मिलते हैं, उस पर सिर्फ उस महिला का ही हक है, ना ससुराल वालों का हक है, ना ही पितृपक्ष में पिता या माता का, किसी का भी कोई हक नहीं है। उसकी एकमात्र जो अधिकारी है वो महिला ही है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, हम सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है प्रज्ञा पी पारिजात, उनसे बात करेंगे। मैम, इस फैसले को अगर हम आम लोगों तक समझाएं और आम महिलाओं तक हम समझाएं तो ये क्या कहता है जी? इस जजमेंट को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ जनमानस की भाषा में। ऐसे कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हुए हैं जो स्पेसिफिकली इस बात को क्लियर करते हैं कि कोई भी स्त्रीधन यदि है, वो शब्द ही बना हुआ है, यदि हम संधि विच्छेद करें स्त्री का धन, इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट ओनर है, अनइक्विवोकल ओनर है उस धन का जो किसी स्त्री को मिलता है। ये धन कब मिल सकता है स्त्री को, इस पर यदि हम मुल्ला का हिंदू लॉ देखें या अगर हम सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट का देखें तो क्लियरली ये चीज़ बताता है कि महिला की शादी से जस्ट पहले, उसकी शादी के दौरान, उसकी विदाई में और उसको अपने ससुराल जाने के बाद जो दूसरे पक्ष की तरफ से जो भी सामान मिलता है वो स्त्री धन की श्रेणी में आता है। बेसिकली ऐसी 6 कैटेगरीज बनाई गई हैं, उसे अपने माता से मिला हुआ, पिता से मिला हुआ, भाई से मिला हुआ, सास से, ससुर से मिला हुआ, जब फेरे हो रहे होते हैं उस समय कुछ यदि उसे चढ़ावा मिला है, उसने बुजुर्गों का पैर छुआ, उसे आशीर्वाद के तौर पे जो मिला, पहली रसोई के तौर पे जो मिला, कोई उसके नाम की FD हो गई, ये सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं चल अचल, इस पर सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट अधिकार है महिला का, इसे स्त्री धन कहते हैं। और इसी मुद्दे को विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान अश्विनी दुबे हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत आपका NDTV में। अश्विनी जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये समझाइए जजमेंट महिलाओं के लिए क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें जैसे स्त्री धन के बारे में कि जब किसी भी महिला को किसी सेवा से, भरण पोषण से, अपने पैसे से
विरासत में मिली, पति से मिली जो संपत्ति है, उपहार जितना भी है, वो स्त्री धन की श्रेणी में आ गया। वो महिला का स्वयं का स्वयं की संपत्ति होगी और उस पर किसी और का अधिकार नहीं होगा। तो अब जब अदालत ने जजमेंट इस पर देना शुरू किया, तो अदालत ने कहा कि जो विकसित न्याय शास्त्र है, विकसित न्याय शास्त्र के तहत जो पत्नी या स्त्री है या पूर्व पत्नी है, वो स्त्री धन की एकमात्र स्वामी है और पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। माने इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक बेटी जीवित स्वस्थ और अपने स्त्री धन की वसूली के लिए कदम उठाने के फैसले लेने में पूरी तरह सक्षम हो, तब तक इस पर पिता का भी कोई अधिकार नहीं। यानी कानून एक ऐसी स्थिति बनाता है जहां एक महिला कानूनी रूप से अपनी संपत्ति की स्वयं की स्वामिनी होगी, चाहे वो दहेज में लड़का पक्ष दे या पिता के रूप से आए या कोई और जो रिश्तेदार हैं वो आकर के पारंपरिक उपहार देते हैं और या उसके सास ससुर को सौंपते हैं। तो वो और हाँ, ये जरूर होना चाहिए, वो दहेज निषेध अधिनियम जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, वो 1961 की धारा 6 के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, माने वो दहेज नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी संपत्ति उपहार इस मिलता है वो सब स्त्री का स्वयं का स्वयं की प्रॉपर्टी होगी, नंबर एक। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा दहेज वो जब तक हस्तांतरित नहीं किया जाता वो महिला के लाभ के लिए ट्रस्ट के रूप में रखा जाएगा। और एक और दूसरी बात कही, और उन्होंने कहा इसे हस्तांतरित नहीं करने की स्थिति में कारावास और जुर्माने का प्रावधान होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला के तमलाक के 5 साल से अधिक समय के बाद और उसे दोबारा विवाह करने के 3 साल बाद दर्ज की गई एफआईआर में, अगर मान लीजिए जो मेन केस था उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि वो जो एफआईआर दर्ज हुई उस एफआईआर में जो कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स बिल्कुल उसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और स्त्री धन जो मिला है वो स्त्री धन संयुक्त संपत्ति परिवार की नहीं बन सकता है, यह उसका अपना धन है, किसी और का कोई अधिकार नहीं। वो अपने धन का इस्तेमाल संकट के समय कर सकती है, उसे वापस करने की जरूरत नहीं है। कानून में भी अगर आप देखेंगे तो कभी जी भी कोई अगर एफआईआर दर्ज होती है या कंप्लेंट्स दर्ज होती है तो महिला अपने स्त्री धन की मांग जरूर करती है, मेरा जो स्त्री धन है वो दूसरे पक्ष के पास, मेरे पति के पास या घर वालों के पास जो है और वो हमें चाहिए, तक लिस्ट दी जाती है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्सोल्यूट राइट दे दिया और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ स्त्री का ही होगा, कोई और उस पर क्लेम नहीं कर सकता है। तो तो एक तरह से बड़ी जी गीता लूथरा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं अश्विनी जी। तो गीता जी, एक बात तो साफ है कि जो स्त्री धन है, जो उपहार एक महिला को शादी के वक्त अपने पिता और माता पिता से मिले हों या फिर अपने ससुराल पक्ष से, वो उसका ही है, उसका ही धन है, उसकी ही प्रॉपर्टी है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आमतौर पर देखा जाता है जब तलाक होता है तो बहुत कुछ महिला पर ये निर्भर करता है कि वो प्रूव करे कि ये स्त्री धन है। तो ऐसे में एक ये चुनौती महिलाओं के लिए रहती है कि ये स्त्री धन मेरा है और इसको इसके लिए मेरे पास ये कागजात हैं, वो भी संभाल कर रखना होगा महिलाओं को। यस, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जो उसको अपने माँ बाप से मिला है और जो उसको अपने इन लॉज से मिला है, ये सब ज्वेलरी जो उसको मिली है वो स्त्री धन और वरी एक्चुअली स्त्री धन है। AIR 1985 सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है और उसके पहले भी जजमेंट्स थी कि स्त्री धन पे स्त्री का पूरा हक है और उस पे कोई क्लेम नहीं कर सकता। इसमें एक आर्ग्यूमेंट किया गया था उस टाइम 1985 में, प्रतिभा रानी की जजमेंट है वर्सेस सूरज प्रकाश शेर नाम है, कि इस लेडी को सामान दिया गया शादी के वक्त, तो हस्बैंड और इन लॉज का कहना ये था कि क्योंकि ये शादी के वक्त दिया गया है तो ये दोनों का है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, जो पंजाब हरियाणा की एक जजमेंट थी उस पे बेस्ड था, कि दिस स्त्री धन कैन नॉट बी कंसिडर्ड जॉइंट प्रॉपर्टी और लेडी और हस्बैंड को जो भी डाउरी मिलती है, जो भी स्त्री धन मिलता है, वो उसकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। अब इसको प्रूव करने के लिए वेरी ऑफन लड़कियों के पास प्रूफ नहीं होता तो वो फोटोज दे देती हैं। अभी हाल ही मेरे केस में लड़की की मदर इन लॉ ने उसको बहुत लाखों करोड़ों की ज्वेलरी दी, पर स्टैंड ले लिया कि ये मैंने उसको लेंड की थी पहनने के लिए। और ऐसे बहुत से स्टैंड्स आते हैं
कई बार लड़की के पेरेंट्स सबूत नहीं रखते कि उन्होंने ये स्त्री धन खरीदा है, जो इन लॉज ने ज्वेलरी दी है उसका सबूत नहीं होता जी। लोग वापस ले लेते हैं, झूठी ज्वेलरी दे देते हैं, तो ये पहलू दोनों तरफ चलते हैं। कई बार लड़कियां दूसरे ज्वेलरी को क्लेम कर लेती हैं और आइडेंटिफाई करती हैं कि ये हमारा स्त्री धन है, इवन इफ इट बिलोंग्स टू द मदर इन लॉ। सो माई फीलिंग ऑन दिस इज, हर आदमी के पास अगर सबूत होगा और तो बेहतर होगा, बिल्कुल अगेंस्ट जी। एक छोटा सवाल, हम आगे बढ़ेंगे दूसरे मुद्दे पर जो अगला मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ा हुआ है, लेकिन अश्विनी जी आप एहतियात के तौर पर एक महिला अगर इस तरह का कोई विवाद आता है आगे चलकर, चाहे अपने माता पिता के साथ हो या अपने ससुराल वालों के साथ, तो एहतियात के तौर पर महिलाओं को अपने स्त्रीधन को बचा कर रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? बहुत छोटे में, वक्त कम है। सबसे पहले उनको अपनी लिस्ट तैयार करनी चाहिए और लिस्ट तैयार करने के बाद जो जो उनको गिफ्ट मिल रहा है उसके कुछ एविडेंसेस हैं तो उन एविडेंसेस को अपने पास रखें। अगर वीडियोग्राफी हो रही है, लोग मिलने आ रहे हैं, उसमें की फोटोग्राफ्स हो रही है, कौन गिफ्ट दे रहा है, प्लस उनकी जो रिसीट्स वगैरह हैं तो वो भी ठीक है। तो जो भी एविडेंस है वो संभाल करके रखें, और मैक्सिमम मैं समझता हूँ फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफी शादियों में होती है उसको रखें। दूसरा जो है, अगर जब भी विवाद की स्थिति हो तो लिस्ट पहले बनाकर रखें, और अगर वो कंप्लेंट करती भी है तो उस कंप्लेंट के साथ वो उनका स्त्रीधन जो है वो वहां पर कंप्लेंट में फाइल करें कि ये हमारा स्त्रीधन है और ये किसके कब्जे में है वो भी बताएं, और उनके पास है तो वो भी बताएं। तो ये मुझे लगता है कि एक बेहतर आइडिया है स्त्रीधन को बचाकर रखने का। और अगर मान लीजिए कोई उसको वायलेशन करता है तो उसमें ऑलरेडी प्रोविजन है, पहले इंडियन पीनल कोड में धारा 406 थी, अभी भारतीय न्याय संहिता में भी, क्योंकि वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पहले भी स्त्री धन को अगर आप देखें तो स्त्री का ही धन माना जाता था जो बात, अब तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई तो वो ऑब्सोल्यूट हो गया, क्योंकि पहले कोई ये सिग्निफिकेंस नहीं थी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं थी, जो महिला को उपहार स्वरूप किसी भी पक्ष से मिला वो उसकी अधिकारिणी होगी, लेकिन अब यह है कि वो उसका एब्सोल्यूट राइट होगा। तो एब्सोल्यूट राइट है स्त्रीधन का एक महिला के लिए। एक सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले से एक बार फिर महिलाओं के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट से एक और मामला सामने आया है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों की प्रतिक्रिया इस पर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर्स पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में कुछ ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे ट्रांसजेंडर्स जारी होने वाले पहचान पत्र और सेक्स चेंज के सर्टिफिकेट्स को पैन कार्ड के लिए वैध दस्तावेज माना जाए। इस पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र को पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा। पीठ ने कहा, कुल मिलाकर वर्तमान याचिका में उठाई गई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें ये मांग भी शामिल है कि प्रमाण पत्र जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट एक ट्रांसजेंडर द्वारा दायर 2018 की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके पैन को आधार से जोड़ने का प्रयास विफल हो गया, क्योंकि पैन कार्ड में आधार कार्ड के विपरीत कोई तीसरे लिंक का विकल्प नहीं है। तो ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड पैन आवेदन के लिए वैध है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। अब आसानी से हो सकेगा पैन आधार लिंक। 2018 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा था ये सुनवाई, और पैन आधार लिंक पर तीसरे लिंक के विकल्प की मांग थी। और अश्विनी दुबे और गीता लूथरा दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीता जी, ये एक फैसला वाकई हिम्मत देगा ट्रांसजेंडर्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता था तमाम सरकारी दस्तावेज़ों को लेकर। ये हमारे देश में, जो कि देश बहुत पुराने ख्याल में बहुत लिबरल था, हमारे देश में एक्चुअली वी हैव नॉट बीन वेरी गुड टू ट्रांसजेंडर्स, वी हैव नॉट बीन वेरी गुड टू माइनॉरिटीज, वी हैव, जो मेरे को लगता है हमारी पुरानी संस्कृति थी वो हम भूल गए हैं जी। और अब हम इनटॉलरेंट और बहुत ही क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फैसला बहुत ही अहम है, और मुझे लगता है कि अब सरकार भी कुछ कर रही है और लोगों में भी कुछ इसमें सेंसिटिविटी आ रही है, विच हैज़ टू बी अ सेंसिटिव एंड अ ह्यूमन राइट्स इशू। और आई कैन ओनली से दिस इज़ अ वेरी गुड जजमेंट, और ये फैसला बहुत ही वेलकम होगा, क्योंकि इनको इनके राइट्स मिलने चाहिए,
और अगर देर इज सम रीअसाइनमेंट, देर इज समथिंग दैट हैज टू बी रिकग्नाइज्ड। तो अब बहुत बड़ा फैसला अश्विनी जी, भारत के नागरिक हैं ये, लेकिन एक पैन कार्ड वो नहीं बनवा पा रहे थे तमाम सरकारी अटकलों की वजह से। अब इस फैसले ने बहुत कुछ सारा रास्ता साफ कर दिया। ना बिल्कुल, देखिए आधार सिस्टम में थर्ड जेंडर कैटेगरी तो था, लेकिन उसमें पैन कार्ड में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसके वजह से जो मैंडेटरली बैंक को आधार कार्ड से पैन को लिंक करवाने की बात होती थी और रिटर्न्स वगैरह फाइल करने में आमतौर पर सबको दिक्कत आ रही थी, वो जो ट्रांसजेंडर्स थे उनको ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आप ये देखिए, भारत में ऑलरेडी ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 संसद में पारित हुआ। उसकी धारा 6 के अनुसार जिला मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सर्टिफिकेट जारी करते हैं, और धारा 7 ये थी जिला मैजिस्ट्रेट 6 चेंज में बदलाव को बताने वाले भी कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स रूल्स 1962 के जरिए जो पैन कार्ड मिलता है उसके लिए जो है व्यवस्था नहीं थी। तो कोर्ट ने कहा कि जब ऑलरेडी एक लॉ है, आधार कार्ड में आपने थर्ड जेंडर यहां पर कर दिया, स्थापित कर दिया, आधार कार्ड की बात कर दी, तो पैन कार्ड में क्यों नहीं। तो ये निश्चित तौर पर एक सिग्निफिकेंट मूव है, और गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट में तो 2019 में कानून उसी के तहत तो ये आदेश पारित हुआ है, तो उसमें उन्होंने उसको एलोबोरेट किया है। अब मैं एक और बात कहता हूं, जी आज जरूरत है एक जेंडर न्यूट्रल लॉ की, ताकि सभी लोग चाहे वो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हो उन सबको बराबर का अधिकार मिल सके। अब इसको डिफरेंशिएट करने की, वर्गों में बांटने की कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर का आधार बनिए, विकसित भारत का अगर सपना निश्चित तौर से अगर पूरा करना है तो देश को पार्लियामेंट को यह सोचना होगा कि जनरल न्यूट्रल लॉ इस देश में लाए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसलिए भी बहुत जरूरी है कि आप देखिए कि रिटर्न्स फाइल करना मैंडेटरी है, बैंक ट्रांजेक्शंस मैंडेटरी है, गवर्नमेंट की वॉच डॉग जो एजेंसी वो चेक कर रही है कहाँ से पैसा आ रहा है। अगर आप अनडिस्क्लोज्ड इनकम से भी बचना चाहते हैं, आपके ऊपर ये ना हो कि आप बैंक से पैसा तो आ गया आप उसको आप जो एजेंसी है नहीं दिखा रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी था, और ये सिग्निफिकेंट मूव है। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे शनै शनै हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे दुनिया तरक्की करे, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जेंडर न्यूट्रल लॉ ही देश के लिए एक सर्वोत्तम लॉ होगा। आगे का रास्ता भी वही है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए अश्विनी दुबे, गीता लूथरा, आप दोनों का। और सुप्रीम कोर्ट से आज दो अहम मामले आए हैं जिससे कई रास्ते भी खुल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें साफ भी हुई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। और अब कोलकाता मामले से जुड़ी खबर। एनडीटीवी के पास क्राइम सीन के कुछ तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें सेमिनार हॉल के अंदर की हैं। इन तस्वीरों में पीड़ित डॉक्टर का बैग नज़र आ रहा है, क्राइम सीन को सफ़ेद चादर से ढका गया है। यहाँ कोलकाता पुलिस और FSL टीम नज़र आ रही है इन तस्वीरों में, और मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। मुकेश, इन तस्वीरें में क्या आप और ज़्यादा विस्तार से बता सकते हैं जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं? देखिए बिल्कुल, NDTV के पास क्राइम सीन की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें 9 अगस्त की सुबह की हैं जब मृतक लड़की का शव बरामद हुआ था। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। अगर तस्वीरों को ध्यान से देखें तो तस्वीरों में एक जो लकड़ी की बेंच है, बेडनुमा बेंच है, उस बेंच में जो मृतक लड़की है उसका जो बैग है वो रखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्राइम सीन को एक सफ़ेद चादर से ढका गया है। इसके साथ में जो लड़की का शव है वो नीचे पड़ा हुआ है। अब सवाल ये है इन तस्वीरों को देखकर कि क्या लड़की वारदात के वक्त जो बेड है बेंचनुमा, क्या उस बेड से नीचे गिर गई थी? एक पहला सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से क्राइम सीन में कई लोग नज़र आ रहे हैं, कुल 12 लोग उन एक तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, तो क्या पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अलावा और भी लोग वहां पर मौजूद हैं? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आखिर वहां पर क्या कर रहे हैं? एक तस्वीर में कुल 12 लोग नज़र आ रहे हैं और उसके आसपास भी लोग खड़े होंगे, तो CBI भी यही सवाल उठा रही थी कि जो क्राइम सीन है वहां पर मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं और जो क्राइम सीन है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, इसीलिए जो CBI है उसको जांच करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि CBI का दावा यह है कि बहुत सारे जो सबूत हैं वो क्राइम सीन के साथ डिस्ट्रॉय हो गए। तो यहाँ पर तस्वीरों में
कुल 12 लोग दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये 12 लोग कौन हैं, इनमें पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अलावा आखिर कौन है? और दूसरी बात यह है कि लड़की का जो शव है वो बेड के नीचे पड़ा हुआ है, तो क्या वारदात के वक्त वो नीचे गिर पड़ी थी? ये कई अहम सवाल खड़े होते हैं। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका कोलकाता से मुकेश। और उधर कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा के मार्च को पुलिस ने सॉल्ट लेक इलाके में रोक दिया, जो महिला आयोग के दफ्तर में ताला लगाने जा रही थी। इनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी कमीशन की तरफ से ना तो कोई बयान आया और ना ही कोई कार्रवाई की गई। कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। यहाँ पर देखिए कि किस कदर बारिश हो रही है, उसके बाद भी जो महिला मोर्चा की नेता हैं वो यहाँ पर डटी हुई थी। तमाम महिला मोर्चा की नेताओं को डिटेन किया जा रहा है। ये लोग ताला लेकर अपने हाथों में आई थी और जो पश्चिम बंगाल का महिला आयोग का दफ्तर है वहाँ पर ये लोग ताला लेकर जा रहे थे। इनका कहना ये है कि मेडिकल की छात्रा के साथ रेप और हत्या की इतनी जघन्य घटना के बाद भी जो पश्चिम बंगाल का महिला आयोग है उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए आज जो बीजेपी की महिला मोर्चा की तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं ये लोग कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में एक लंबा पैदल मार्च निकालते हुए जो महिला आयोग का दफ्तर है उसके पास पहुँची थी, लेकिन पुलिस ने बीच में ही यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। बारिश हो रही है, इसके बावजूद महिलाओं को यहां पर पुलिस डिटेन कर रही है और बसों में बिठा रही है। आप देखें कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, खासतौर से जो महिला पुलिसकर्मी हैं, वो यहां पर तैनात हैं पहले से और इस मार्च को यहीं पर रोक दिया है। बीजेपी की तमाम जो महिला नेता हैं उनको पुलिस यहां पर डिटेन कर रही है। वहां पर कुछ महिला नेताओं को डिटेन किया गया है और इनको पुलिस बसों में बिठा कर आगे की तरफ ले जा रही है और इनको यहाँ पर डिटेन किया गया है। तो ये जो पैदल मार्च है ये सॉल्ट लेक सिटी से शुरू हुआ था और जो महिला आयोग का दफ्तर है वहाँ तक पहुँचा था और यहाँ पर तमाम जो बीजेपी की नेता हैं, महिला नेता हैं, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर तमाम जो बीजेपी की बड़ी नेता हैं उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है और यहाँ पर दीदी तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहां से तमाम जो महिला नेता हैं उनको डिटेन करके यहां से बसों में इस तरह से ले जा रहे हैं। तमाम जो बीजेपी की बड़ी नेता हैं वो यहां पर पहुंची थी। वुमेन्स कमीशन में लेके जा रहे हैं लेकिन बोला जा रहा है कि ये आप नहीं लेके जा सकेंगे। ये तो हमारा प्रतिक्रिया है, हम तो ताला लगाने के लिए आए हैं। ताला क्यों लगाना है? ताला लगाना है क्योंकि काम नहीं करता है। देखिए किस तरह से पुलिस ने बीजेपी की तमाम जो बड़ी महिला नेता हैं उनको यहाँ पर डिटेन कर लिया है और अपने साथ में पुलिस जो है वो लेकर जा रही है। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर ताला लेकर पहुँची थी और पुलिस ने उनको यहाँ पर डिटेन किया है। ये जो बसें हैं उन बसों में उनको बिठाया जा रहा है और इस तरह से आज बीजेपी की महिला मोर्चा ने एक बड़ा पैदल मार्च निकाला है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर किस तरह से तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर पहले से तैनात थे और यहीं पर इस महिला मोर्चा को रोक दिया गया था। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।